माँ बंगलामुखी धाम नजदीक लम्बापिंड चौक हुशियारपुर रोड पर स्थित गुलमोहर सिटी में धाम के संस्थापक एवं संचालक नवजीत भारद्वाज की अध्यक्षता में साप्ताहिक माँ बंगलामुखी हवन यज्ञ करवाया गया, जिसमें सबसे पहले ब्राह्मणों ने नवग्रह पंचोपचार, षोडशोपचार, गौरी गणेश कुंभ पूजन, माँ बंगलामुखी जी के निमित्त माला जाप कर मुख्य यजमानों से सपरिवार पूजा अर्चना उपरांत हवन यज्ञ में आहूतियाँ डलवाई। तो वहीं इस यज्ञ में उपस्थित माँ भक्तों से आहूतियाँ डलवाने के बाद नवजीत भारद्वाज ने उपस्थित माँ भक्तों को कहा कि अहंकार के प्रभाव में आने से मनुष्य का विनाश निश्चित है। अहंकार के कारण मनुष्य की बुद्धि व विवेक समाप्त होकर अपने पराये के ध्यान से परे हो जाते हैं। भक्ति के प्रभाव से अहंकार समाप्त होता है। वहीं उन्होंने कहा कि भक्ति के माध्यम से लोगों का जीवन कल्याण संभव है। नवजीत भारद्वाज ने सभी माँ भक्तों से रविवार 27 नवंबर को आयोजित होने वाले संपूर्ण फलदायी मासिक हवन यज्ञ में सपरिवार सम्मिलित होने का आह्वान भी किया। इस अवसर पर विक्रम भसीन, अनिल चड्डा, रोहित भाटिया, गौरव कोहली, राजेंद्र कत्याल, राकेश प्रभाकर, बलवंत बाला, रोहित बहल, एडवोकेट राजकुमार, मोहित बहल, अशोक शर्मा, विक्रांत शर्मा, गोपाल मालपानी, राघव चड्डा, समीर कपूर, अश्विनी शर्मा, संजीव शर्मा, मुकेश चौधरी, संजीव सावरिया, मुनीश शर्मा, यज्ञदत्त, रॉकी, पंकज, करण वर्मा, राजेश महाजन, मानव शर्मा, राजीव, दिशांत शर्मा, राकेश ठाकुर, बलदेव सिंह, साबी, लक्की, सुनील जग्गी, प्रिंस और प्रवीण सहित भारी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। वहीं आरती उपरांत प्रसाद रूपी लंगर भंडारे का भी आयोजन किया गया। जालंधर से हलचल के लिए सुरेंद्र बाबा की रिपोर्ट। आज माँ भगवती बगलामुखी जी पीताम्बरा माता जी के दरबार के उत्ते जो कि बगलामुखी धाम के नाम के नाल प्रसिद्ध है, गुलमोहर सिटी नजदीक लम्मा पिंड चौंक के नजदीक स्थित इस माँ के भव्य दरबार के उत्ते अज सप्ताहिक जिहड़ा श्रृंखलाबद्ध हवन यज्ञ का आयोजन किया गया। दूरों दूरों आई संगत ने माँ के चरणों के हाजिरी लगा के और ठाठा मार की ठंड के सवेरे समय अनुसार पहुंच के दरबार च हवन यज्ञ च आहुतियां डालियां। साडी माँ के चरणों यही बारंबार अरदास है कि माँ जिहड़ा भी तेरे दरबार से भगत आवे वह अपने जिहड़ियां झोलियां वह खुशियां नाल भर के लैके जाए। इस दे नाल नाल मैं दसना चाहना कि हर महीने जिहड़ा मासिक हवन यज्ञ का आयोजन किया जाता वह इस बार 27 तरीक दिन ऐतवार नूं आ रहा है। सारे मां भगत आके 9 बजे तो 12 बजे तक हवन यज्ञ च आहुतियां डालो और उस तो बाद एक विशाल लंगर भंडारे का आयोजन किया जा रहा वह ग्रहण करो और अपनिया जिन्निया भी मुश्किलां है जो भी अपनिया कामनावां है मां दे चरणां च रखो और महामाई का आशीर्वाद प्राप्त करो। इस दे नाल नाल मैं दसना चाहना कि अज बहुत दूरों दूरों जिहड़ी संगत आई है, बहुत सारी संगत है जिहड़े कारज महामाई ने सवारे है, उहदे नाल महामाई दे भगतां च बहुत ज्यादा उत्साह देखण नूं मिल रहा और लगातार जिस तरह सर जमीन हिंद पर अकवा के आलम के फिराक काफले बसते गए हिंदुस्तान बनता गया, इदां ही इक इक दे नाल कड़ी बनदे बनदे अज भगतां दा समुंदर वंगर ठाठा मारदा हजूम पहुंचदा दरबार ते। आप भी आओ अपने परिवार दे नाल आके दाती दे दरबार ते नतमस्तक होवो और अपनी जिहड़ियां मुश्किलां परेशानियां किसी भी तरह दियां कोई भी परेशानियां दाती दे दरबार ते आओ, हवन यज्ञ च आहुतियां डालो और कामनावां पूर्ण करके लैके